गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आर्टिकल सेकंड पार्ट, आर्टिकल रूल फॉर इंडेफिनिट आर्टिकल अ एंड एन। अ एंड एन के लिए हम आज स्टडी करेंगे। रूल वन, द आर्टिकल इज आर्टिकल अ इज यूज्ड बिफोर अ कंसोनेंट वर्ड। रिमेंबर कंसोनेंट, ध्यान देना है, कंसोनेंट वर्ड और एनी वॉवल विद अ कंसोनेंट साउंड। कोई भी वर्ड जो कंसोनेंट से शुरू करता है या फिर कंसोनेंट साउंड से शुरू होता है, ध्यान देना कंसोनेंट साउंड, तो उसके साथ में हम अ का यूज करते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल एग्जांपल्स, अब एग्जांपल अ मैन, मैन म से शुरू होता है इसलिए इसके साथ हमने आर्टिकल अ का यूज किया। अ मैन इज सिटिंग ऑन द चेयर, शी गोज टू अ यूनिवर्सिटी। देखिए यू अब क्या है, यू अपने आप में एक वॉवल है बट इसकी साउंड यहाँ पर है यू, यू यू यानी या से बना है, देयरफॉर हमने इसमें यूज किया है अ यूनिवर्सिटी इन दिल्ली। सिमिलरली द आर्टिकल एन इज यूज बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विद अ वॉवल। जब कोई वर्ड वॉवल से शुरू होता है जैसे ए, ई, आई और यू और द लेटर ऑफ ए कंसोनेंट वर्ड विद अ वॉवल साउंड, या फिर कोई भी वर्ड जो कंसोनेंट वॉवल साउंड से शुरू होता है, ध्यान रखना है कि लेटर हमारा चाहे कंसोनेंट हो या वॉवल हो, लेकिन अगर उसकी साउंड जो फर्स्ट साउंड है वो कंसोनेंट के बजाय वॉवल होती है तो हम वहाँ पर आर्टिकल एन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल शी इज एन इनोसेंट गर्ल, एन इनोसेंट, एन इनोसेंट, आई की साउंड है ई इसलिए हमने यहाँ पर एन इनोसेंट यूज किया है। ही इज एन ऑनेस्ट, रिमेंबर यहाँ पर हमारा जो वर्ड है वो एच से स्टार्ट हो रहा है और एच हमारा कंसोनेंट है बट इसकी साउंड है आ, क्योंकि यहाँ पर एच जो है वो साइलेंट है, एच इज साइलेंट, देयरफॉर ही इज एन ऑनेस्ट मैन। रूल नंबर टू, अ सिमिलर कॉमन नाउन ऑलवेज रिक्वायर्स एन आर्टिकल अ और एन बट अ प्लूरल कॉमन नाउन डज नॉट रिक्वायर एनी आर्टिकल और कैन हैव द टू पार्टिकुलराइज दैट नाउन। ध्यान रखना है कि जो हमारा अ और एन है उसको हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन के साथ, सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ यूज करते हैं, और अगर वो सिंगुलर कॉमन नाउन किसी पार्टिकुलर थिंग के लिए, किसी खास चीज के लिए यूज होता है तो हम वहाँ पर फिर अ और एन आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। So it you have to, this you have to remember, okay? And then example, I saw an elephant. यहाँ पर उस elephant की बात हो रही है जो कि हमने अचानक देखा, उसको जानते नहीं है। I saw elephants in a zoo. मैंने elephants को zoo में देखा, यहाँ पर article की जरूरत नहीं क्यों, ये plural हो गया। I have seen the elephant again. अब यहाँ पर जो the elephant का मतलब क्या हुआ, जो elephant यहाँ पर n था, पहली बार देखा था, जब उसको दोबारा देखा तो हमने किया the का use, because ये यहाँ पर particular elephant हो गया, ये particular elephant हो गया जिसको हमने फिर से देखा, means हम उससे identified हो चुके थे, उससे परिचित हो चुके थे। I have seen the elephants again before leaving the zoo. मैंने फिर से एलिफेंट्स को देखा बिफोर लिविंग द जू, यहाँ पर जो जू है वो हमारा पर्टिकुलर हो गया क्योंकि हम इस जू को पहले देख चुके हैं, इसलिए हमने उस जू के साथ में आर्टिकल द का यूज किया। मीन्स किसी भी स्टोरी में, सेंटेंस में अगर सेम थिंग को दूसरी बार या तीसरी बार रेफर किया जाता है तो हम उसके साथ में आर्टिकल द का यूज करेंगे, जबकि फर्स्ट टाइम हम उसमें आर्टिकल अ का यूज करेंगे। रूल थ्री, ए अ और एन इज यूज टू मेक अ प्रॉपर नाउन अ कॉमन नाउन। आप अ और एन को यूज करके किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में बदल सकते हैं। प्रॉपर नाउन्स डू नॉट टेक आर्टिकल्स, ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन्स जो है वो आर्टिकल नहीं लेते हैं, प्रॉपर नाउन्स के साथ में आर्टिकल नहीं लगता है, बट टू मेक देम कॉमन नाउन्स अ और एन इज यूज। लेकिन उनको कॉमन नाउन बनाने के लिए हम अ और एन का यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं ये भी आप देख लीजिए। He thinks he is an Abraham Lincoln. वो सोचता है कि वो एक अब्राहम लिंकन, मीन्स वो अपने आप को अब्राहम लिंकन की क्वालिटी का, कैटेगरी का, उनके लेवल का मानता है। Not referring to the actual person but someone like him. तो ये यहाँ पर ये actual अब्राहम लिंकन को शो नहीं कर रहा है बल्कि उनके जैसे किसी व्यक्ति को शो कर रहा है।
शी इज एन इंडियन, वो एक भारतीय है. इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन बट इंडियन इज अ कॉमन नाउन. रूल नंबर 4, इनडेफिनिट आर्टिकल अ और एन इज यूज टू रेफर टू नंबर्स. अ और एन नंबर्स को रेफर करने के लिए भी यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द बेबी इज प्लेइंग विद अ डॉल, यहाँ पर एक गुड़िया से खेल रहा है. आई ओ हिम अ 1000 bucks, मीन्स 1000 rupees, $1000. He drove 120 kilometers in an hour. An hour means 1 hour, means वो एक आवर में 120 kilometers गाड़ी चलाया. Rule number 5, the indefinite article a or an precedes the descriptive adjective. Descriptive adjective से पहले भी हम article a or an का यूज करते हैं. Such as she is an amazing dancer. She is an amazing dancer. वो एक आश्चर्यजनक dancer है. A. What a nice villa. कितना सुंदर. रूल नंबर 6, द इनडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड विद द डिटरमाइनर्स फ्यू, लॉट, मोस्ट. जो डिटरमाइनर्स हैं उनके साथ इनका यूज करते हैं. सच एज, देयर इज अ लिटिल ड्रिंक इन द ग्लास. आई हैव अ फ्यू, आई हैव अ फ्यू गेस्ट कमिंग ओवर. देखिए, अ फ्यू, अ लिटिल, तो ये हमारा जो है आर्टिकल का यूज हो गया आपका डिटरमाइनर से पहले. व्हेन नॉट यूज एन आर्टिकल, आर्टिकल यूज हम कब नहीं करते हैं, तो वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल एट ऑल इन सम केसेस. कुछ मामलों में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. उनमें से कुछ खास रूल्स हम आपको बताएंगे. द आर्टिकल ए एंड द आर नॉट यूज इन द फॉलोइंग केसेस. व्हेन प्लूरल नाउन इज टॉक्ड अबाउट, जब हम प्लूरल नाउन्स के बारे में बात करते हैं तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. सच एज, गर्ल्स लाइक पिंक, इसका मतलब हुआ कि सारी की सारी लड़कियों को, गर्ल्स को पिंक कलर पसंद होता है. अब ये तो हमारा हो गया रॉन्ग सेंस. करेक्ट क्या होगा? द गर्ल्स इन माई होस्टल लाइक टू प्ले कबड्डी. यहाँ पर भी द गर्ल्स ठीक है, ऊपर भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उन लड़कियों का जिक्र किया गया है जो लड़कियां सिर्फ मेरे हॉस्टल की हैं. नंबर 2, व्हेन अनकाउंटेबल नाउन्स आर टॉक्ड अबाउट, जब हम अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में बात करते हैं तो भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. सच एज, वाटर स्कैसिटी इज अ प्रॉब्लम. अब जो वाटर है, वाटर स्कैसिटी है, वो क्या है आपका? अनकाउंटेबल है, इसलिए हमने यहाँ पर द आर्टिकल का यूज नहीं किया है. द वाटर स्कैसिटी इन माई लोकेलिटी इज ए प्रॉब्लम, ये सेंटेंस भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उस वाटर स्कैसिटी की बात की गई है जो मेरी लोकेलिटी है, मीन्स पर्टिकुलर यानी स्पेसिफिक लोकेलिटी के बारे में बात किया गया है. अब एक इनकंसिस्टेंट, देयर इज अ वाटर स्कैसिटी इन माई लोकेलिटी, तो ये गलत है. क्यों? वाटर स्कैसिटी अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के बाद में हम आर्टिकल आ का यूज नहीं कर सकते. नंबर 3, व्हेन रियल नाउन्स आर टॉक्ड अबाउट, जब हम रियल नाउन्स के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेम्स ऑफ पीपल और प्लेसेस, पीपल या प्लेसेस के नाम के बारे में बात करेंगे तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे. सच एज, आई वॉन्ट टू विजिट द ऑस्ट्रेलिया, नो, ये प्रॉपर नाउन है, हम इसका यूज नहीं कर सकते. करेक्ट विल बी शी टॉक्स टू द सैम फॉर आर्टिकल्स, और ये भी आपका रॉन्ग हो गया. अब करेक्ट क्या होगा? आई वॉन्ट टू विजिट ऑस्ट्रेलिया, द शुड बी रिमूव्ड. शी टॉक्स टू, यहाँ से द हटना चाहिए, जब द हट जाएगा तो करेक्ट हो जाएगा. शी टॉक्स टू सैम और करेक्ट आई वॉन्ट टू विजिट ऑस्ट्रेलिया. ओके, नाउ योर चैप्टर ऑफ आर्टिकल्स गेट्स ओवर. थैंक यू. आई वुड लाइक टू से यू थैंक यू. ओके, एंड कीप वॉचिंग एंड लर्न मोर थिंग्स विद अस.